तो क्या हाल चाल है भाइयों। तो भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है यार, डोमिनार 400 में क्रैश हो गया था अभी कुछ टाइम पहले, कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हो गया था, तो इसके लिए इंश्योरेंस क्लेम किया था। तो भाई बजाज वालों की तरफ से फ़ोन आया है कि भाई आपका सामान आ चुका है, तो चलते हैं आज भाई अपने बाइक का जो भी एसेसरीज ख़राब हुई थी अपने वो डलवाते हैं, देखते हैं इंश्योरेंस क्लेम करने का क्या प्रोसेस है, कैसे हमारा पैसा खाते में आएगा या जो बिल है वो इसके शोरूम के नाम से बनेगा, देखते हैं अब चल के। तो भाई अब देर ना करते हुए जल्दी से चलते हैं, क्योंकि भाई काफ़ी दिन हो गया, बाइक बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लग रही थी, टूटी फूटी और बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था यार। मैं बहुत दिन से वेट कर रहा हूँ इनकी सर्विस ने, बिल्कुल मेरी बैंड बजा रखी है, पिछले 3-4 महीने हो चुके हैं मुझे वेट करते करते कि भाई अब सामान है, अब सामान है, अब जाके फ़ोन आया जो कि भैया आपका सामान आ चुका है, आ जाओ और डलवा लो अपना। तो अब चल के देखते हैं भाई, सारा सामान आया है, अब भी कुछ रह गया है। मोटरसाइकिल की कंडीशन चेक करो भाई, कंडीशन एकदम A1 हो रही है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले भाई टैंक पे ये भी लगवाया था, इसमें हल्का सा भाई यहाँ पे चिपका नहीं था तो ये ख़राब हो गया, भैंस की आँख। बाकी एक नई चीज़ और ऐड ऑन करी अपनी मोटरसाइकिल में मैंने भाई, वो थी हमारी रियर ब्रेक ऑयल का कवर, ये चीज़ मैंने नई ऐड की है ताकि भाई मेरा ब्रेक ऑयल का ये जो सिस्टम है बचा रहे, क्योंकि कई बार ना चाहते चाहते भाई हमसे भी टूट जाता है, कई बार दूसरे भी पैर रख देते हैं तो टूट ही जाता है। तो बाकी यार चलो अब चलते हैं, करते हैं वीडियो को शुरू और मैं आपको मिलता हूँ सीधा अब रोड पे। तो भाई देख लो, तो भाई आ चुके हैं अपने बजाज के शोरूम में, अपना सर्विस सेंटर में नीचे बाइक, अब देखो आपको दिखाता हूँ खड़ी कर दी है, अपना सामान चेक कर रहे हैं क्या क्या सामान आया और क्या क्या रह रहा है। तो भाई देखो मोटरसाइकिल तो मेरी वो खड़ी, भाई अभी सामान देखने गया हुआ है, सामान देखते हैं क्या क्या आया है। आया कुछ सामान, अपने डोमिनार का काम शुरू हो चुका है, देखो भाई अपने डबल स्टैंड लेकर आया जा रहा है और अभी से करके भाई इसका सामान पहले खोलते हैं, अपने ब्लैक गार्ड खुलवा रहा हूँ पहले, फिर विंडशील्ड हैंडल सारी चीज़ें खुलवा के फिर देखते हैं कैसे कैसे सामान क्या क्या डलेगा। तो भाई बने रहो वीडियो में एंड तक, देखो फिर बताएंगे लास्ट में बिलिंग का क्या प्रोसेस है। तो भाई देख लो अपना खुलने का काम शुरू हो चुका है, अपना विंडशील्ड खुल गई अब हमारी वाली, भाई कर रहा है काम, अपने से नकल गार्ड खोल गया है यहाँ से, भाई विंडशील्ड खुल गई है। लो भाई लुक देख लो अभी इसकी, खुले पीछे कैसा हो गया इसका मामला, कितनी बुरी लग रही है साड़ी भाई, इसने तो भाई पैंट ही बजा दी निकालने में, लेग गार्ड खुल गया भाई हमारा, विंडशील्ड खुल गई, हैंडल कर रहा भाई, करता रहे काम तो कोई दिक्कत ना, करता रहे तो काम अपना कोई दिक्कत ना। लो भाई सारा सामान अपने निकल चुका है, हैंडल वैंडल सारे खुल चीज खुल चुकी हैं अपने, भाई ने खोल लिया मेरी, अब अपना नया सामान आएगा, देखते हैं क्या क्या सामान है, सारा डलवाते हैं भाई, दिखाते रहेंगे आपको क्या क्या प्रोसीजर हो रहा है बीच में सारी चीज़ें। तो ये वाली चीज़ है भाई, काफ़ी टाइम लगा दिया पर चलो कोई बात नहीं भाई, अब ना चाहते चाहते काम हो रहा है, देखेंगे कितने का खर्चा बनेगा, क्या बिलिंग बनेगी सारी इस चीज़ की। लो भाई अपना सामान भी आ गया है, विंडशील्ड वगैरह लेग गार्ड वगैरह सारी चीज़ आ गई, हैंडल भाई ले रहा है, अब लगाना शुरू कर रहे हैं भाई बाइक पे। तो भाई फाइनली इतने दिन के वेट के बाद वापस से मोटरसाइकिल जैसी थी वैसी अब तैयार हो जाएगी। तो भाई लगभग 90% काम कंप्लीट हो चुका है, अब ये मान के चलो ये विंडशील्ड है भाई इसकी, ये वाली रबड़ जो है पुराने वाले में से निकली नहीं और नई रबड़ भाई इनके पास है नहीं, अब ये पता कर रहे हैं कहीं से मंगाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी भाई सब चीज़ लग गई है। पर भाई एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी कि भाई जो सेटिंग नई बाइक में कंपनी से आती है वो सेटिंग दोबारा बैठ नहीं पाती हैंडल में यार, अब भी मुझे थोड़ा सा 19-20 फ़र्क अब भी लग रहा है, क्योंकि भाई ये नकल गार्ड की सेटलमेंट इसकी सही आई है, ये थोड़ा सा भाई ज़्यादा चौड़ा हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसे, चलो घर जाके मैं खुद ही देखूंगा। बाकी भाई एल गार्ड भी अपना यहाँ पे सेट हो गया है अब पहले के मुकाबले भाई बढ़िया, कोई पक्षोदी नहीं, तो भाई 90% काम कंप्लीट है, बस विंडशील्ड का काम रह रहा है, अब देखते हैं भाई इसका क्या सीन बनता है। तो भाई नई विंडशील्ड का तो यार रबर मिल नहीं रही है, जिसे तो बजाज वाले सोचा करिए नहीं मिली, बाकी अब अपना पुरानी विंडशील्ड लगा लग रहे हैं, पुराने के नई से क्या बोल रहे हैं भाई, क्या बोल रहे हैं इसे, हैं विंडशील्ड के नीचे का ही जो कवर बता रहा भाई, मेरा भाई ये पुराने वाले लगवा लिया मैं, नए वाला भाई अपना मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, बाकी पुराने वाली विंडशील्ड भी लगवा रहा हूँ इसे, यार बाहर मार के इतने दिखे हैं कहीं ये इनके बस की नहीं है, कर रहे हैं इसे बाहर ही करवाना पड़ेगा इसे, चलो जैसा कि होता है बताते रहेंगे भाई। सो भाई गुड मॉर्निंग फ्रॉम द नेक्स्ट डे, तो भाई कल इंश्योरेंस क्लेम करने गया था आपको पता ही है, तो भाई बाकी
वीडियो मैं कंटिन्यू कल इसलिए नहीं कर पाया भाई, मेरी मोबाइल की जो है बैटरी डेड हो गई थी, बैटरी नहीं बची थी, तो आगे का प्रोसेस सारा मैं भाई कंटिन्यू नहीं कर पाया, ना ही रिकॉर्ड कर पाया, वो चीज़ें मैं आपको दिखा भी नहीं पाऊंगा। बाकी मैं बता देता हूँ कल क्या क्या हुआ था। तो भाई सबसे आखिरी चीज़ जो उस समय रह गई थी भाई, सारी 90% काम कंप्लीट हो गया था, मेरी विंडशील्ड लगनी रह गई थी, तो विंडशील्ड भाई कल लग नहीं पाई। किस कारण से नहीं लग पाई, क्योंकि भाई जो विंडशील्ड के अंदर जो रबर लग रही थी वो रबर बाइक जोन वालों के पास थी नहीं, तो हमारी विंडशील्ड भाई लग नहीं पाई। विंडशील्ड अपने फिर हमने पुरानी वाली इंस्टॉल करवा ली, क्योंकि पुरानी वाली में भाई पहले से रबड़ लगी हुई थी और एक में नहीं थी, तो अपने वो इंस्टॉल करा के भाई मैं अपने घर आ गया। बाकी पेमेंट का प्रोसीजर क्या था, पेमेंट जो हुआ हमारा वो हुआ है भाई शोरूम के नाम से ही भाई बिल बना है, मुझे कोई पैसा जमा नहीं करना पड़ा, मुझे 10% जो है जितना भी बिल बना है उसका 10% अमाउंट मुझे वो जमा करना पड़ा, और लगभग मुझे 200-400 रुपये फाइल चार्ज देना पड़ा, तो लगभग मैं ये मान के चलिए 1100 रुपये मेरी कॉस्टिंग आ गई। बाकी इसके अलावा मैंने कोई रुपए नहीं दिए हैं, सब जो पैसे आएंगे वो डायरेक्ट अब शोरूम के खाते में आएंगे। उस लफड़े से बच गए हम कि भाई हाँ पहले मैं सारा पेमेंट जमा करूँ, फिर वो पेमेंट के लिए भटकता फिर जाऊँ, फिर वो मेरे खाते में आएगा, तो इस सारे लफड़े से बच गए। बाकी भाई मेरा सामान सारा डल चुका है, बाइक एकदम ओके हो चुकी है, हैंडल में थोड़ा 19-20 दिक्कत थी, को सही करा ली है, और भाई इसमें एक नई चीज़ और एड ऑन की है मैंने, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। बाकी भाई इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।